गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पड़वा कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार पड़वी 2 अप्रैल 2022 को है। आखिर क्या है इस बार हिंदू नववर्ष की विशेषताएं, आइए जानते हैं। गुड़ी पड़वा पर क्यों मनाया जाता है हिंदू नववर्ष? पहला, नव संवत्सर। गुड़ी पड़वा को मूलतः नव संवत्सर या नववर्ष कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहने का प्रचलन है, क्योंकि वे लोग इस दिन अपने घर के बाहर गुड़ी लगाते हैं। इस तरह हर प्रांत में इसका नाम अलग अलग है, जैसे उगादि, युगादि, चेटीचंड या चेतीचंद आदि, परंतु ये है नव संवत्सर। पौराणिक कारण, ब्रह्म पुराण अनुसार ब्रह्मा ने इस दिन सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसी दिन से सतयुग की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी होता है। इसी दिन को भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था और पूरे अयोध्या नगरी में विजय पताका फहराई गई थी। इसीलिए इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में उत्सव होता है, मिठाई का वितरण होता है और कुछ नया या मांगलिक कार्य किया जाता है। वैज्ञानिक कारण, चैत्र माह अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च और अप्रैल के मध्य होता है। 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। उस वक्त दिन और रात बराबर होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी दिन से धरती का प्राकृतिक नववर्ष प्रारंभ होता है। नववर्ष से ही रात्रि की अपेक्षा दिन बड़े होने लगते हैं। रात्रि के अंधकार में नववर्ष का स्वागत नहीं होता है। नया वर्ष सूरज की पहली किरण का स्वागत करके मनाया जाता है। दिन और रात को मिलाकर ही एक दिवस पूर्ण होता है। दिवस का प्रारंभ सूर्योदय से होता है और अगले सूर्योदय तक यह चलता है। सूर्यास्त को दिन और रात का संधिकाल माना जाता है। साल 2022 के नव संवत्सर की क्या ही विशेषता? इस बार यह नव वर्ष विक्रम संवत 2079 रहेगा। नव संवत्सर 2079 इस बार 2 अप्रैल 2022 शनिवार से शुरू होगा। शनिवार के देवता शनिदेव हैं, इसलिए इस वर्ष के स्वामी शनिदेव ही है। दरअसल नव वर्ष के प्रथम दिन के स्वामी को उस वर्ष का स्वामी मानते हैं। इस वर्ष का प्रथम दिन शनिवार को है और इसके देवता भी शनि हैं। मतलब न्याय के देवता शनि के ग्रह का 2022 में रहेगा जबरदस्त प्रभाव। वह सुख और समृद्धि दिलाएंगे, लेकिन जीवन के कर्म का फल भी प्रदान करेंगे, इसलिए सतर्कता भी जरूरी है। शनि इस वर्ष का राजा है। इस मान से इस वर्ष का मंत्रिमंडल इस प्रकार होगा: राजा शनि, मंत्री गुरु ससयेश सूर्य, दुर्गेश बुध, धनेश शनि, रसेश मंगल, धान्येश शुक्र, निर्शेष शनि, फलेश बुध, मेघश बुध रहेंगे। संवत्सर का निवास कुम्हार का घर एवं समय का वाहन घोड़ा है। कहते हैं कि जिस वर्ष समय का वाहन घोड़ा होता है, उस वर्ष तेज गति से वायु, चक्रवात, तूफान, भूकंप, भूस्खलन आदि की संभावना बढ़ जाती है। मानसिक बेचैनी भी बढ़ जाती है और तेज गति से चलने वाले वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नव वर्ष के प्रथम माह में सभी ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। राहु, केतु, गुरु, शनि सभी ग्रह परिवर्तन करेंगे। 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु 12 अप्रैल को सुबह वृषभ से मेष राशि में गोचर करेंगे। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिवार को त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर चंद्रमा धनु राशि के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा, साथ ही शिवरात्रि व्रत भी होगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।